The thing I want you to have is the confidence, विश्वास, ताकि हम होम्योपैथी करें. My cases are very simple, उसमें कोई मगजमारी नहीं होती है. पता नहीं हमारे पास ऐसे केसेज आते हैं या क्या होता है, किंतु वो पूरा दिन भर का मैं बहुत सोचता हूँ कि मैं भी एक ऐसा सेमिनार करूँ जिसमें पूरे दिन भर एक ही केस को लेकर डिस्कस करूँ और शाम में फिर ऐसा कोई मेडिसिन बोलूं जो आपने कभी नहीं सुना है. पर पता नहीं मेरे जो भी आज तक केसेज आते हैं वो सब एकदम कॉमन वाले केसेज ही आते हैं, या कोई ऐसी बड़ी बीमारी भी आती है तो कॉमन मेडिसिन से ही ठीक होती है. दिस इज यू नो एंडोमेट्रियल पॉलिप. थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को जानकारी है, जस्ट टू रिकैपिचुलेट कि ये क्या है. इट इज अ मास अराइजिंग फ्रॉम इनर लाइनिंग ऑफ यूटरस, varying size, mainly of two types, uterine polyp. First one is having large flat base called sessile, जिसमें base flat होता है और वो फिर ऐसे निकल के आता है. And the second one, जिसमें pedicles होते हैं. The other one is having an elongated pedicle are called pedunculated. The prevalence is very common, दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है. PCOD के बाद यूटेराइन एंडोमेट्रियल पॉलिप ही सबसे ज्यादा कॉमन ऐसा देखा जाता है. दे अकर मोस्टली ड्यू टू अननोन इटियोलॉजी, बट साइज डिपेंड अपॉन द सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन. ओबेसिटी, हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल पॉलिप एंड हाई ब्लड प्रेशर आर नोटेबल रिस्क फैक्टर्स. ये केस ऐसी बीमारी विद सच ए ह्यूज पॉलिप होम्योपैथी से और इतने कम टाइम में भी कम हो सकता है, दैट वॉज समटाइम्स आपको खुद भी अवाक हो जाते हैं. बट वो कम होना, कैसा कम होना होता है ये आपको समझना पड़ेगा. तो दिस इज अ केस, अ वुमेन 27 ईयर्स ओल्ड विथ पेन इन लोअर एब्डोमेन विच इज एग्रेवेटेड बाय स्ट्रेनुअस वर्क along with discharge of fresh and clotted blood per vagina irregularly throughout the month. 6 महीने से ये लगातार clotted blood discharge हो रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, but throughout. और जैसा होता है कि पेट दर्द होता है तो आप पहले खुद कोशिश करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं. तो the patient went to a doctor and doctor asked for which. She has a past history of appendicitis when she was very young, married to normal delivery, her diet is regular, जैसा घर में होता है, सुखी संसार, no particular history of addiction, normal sexual behavior, everything was normal, vaccination वगैरह भी normal, nothing cool. थोड़ा सा फूला हुआ चेहरा, नॉर्मल से थोड़ा सा, बट नॉट सच दैट इट इज अलार्मिंग. थर्मली शी वॉज हॉट, वॉर्म टू टच, बीच बीच में ऐसा लगता था कि फ्लशेज ऑफ हीट, आग निकल रहा है शरीर से. इंटरमीडिएटली गुड एपेटाइट, बट भूख बर्दाश्त नहीं होती थी. कितना भी व्यस्त रहे कुछ नहीं तो अपना सत्तू चना जो भी होता है वो अपना रखती थी, ताकि जब भी जरूरत हो, भूख लगे, खाने का टाइम हो, हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं कुछ खा लू. वेजिटेबल, सॉल्टी फूड, तेल मसाला और ओपन एयर, दीज वर हर डिजायर. क्लोज रूम, बंद दरवाजा से एवर्शन. ऑयली फैटी फूड, एसिडिटी, फ्लैचुलेंस, thus was moderate. Stool changeable in color and consistency, passes twice daily. Normal sound sleep. She was very restless, sentimental, बात बात पे रोना, गुस्सा, ना पसंद आने वाली बात, जब भी फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ा सा आर्गुमेंट वगैरह होता था तो शी यूज टू एक्सप्रेस हरसेल्फ नॉट बाय एंगर और रिप्लाइंग बट मोर बाय वीपिंग. डिजायर्स कंपनी, गुड मेमोरी,
but very often absent male. So this is the scenario. Let us think on this. Diagnosis, endometrial polyp, large polyp. We will aapko sonography bhi dikha. Large polyp. This is the scenario. Forget reproduction. Let us think of some medicine. Pulsatilla. मेरे केस में यही प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए सेमिनार में मैं केस नहीं बोलता। अरे मजा तब आएगा कि आप लोग कुछ और बोलो। And these are were the rubrics that were taken for repertorization. This was the chart. सल्फर किंग ऑफ सोरा कैंट रेपर्टरी से अगर हम लोग करें तो ज्यादातर केस में सल्फर कवर करता है. दैट डज नॉट मीन दैट सल्फर शुड बी प्रिस्क्राइब्ड अगेन दैट डज नॉट मीन कि सल्फर शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड बट वी नो दैट रेपर्टरी इज ओनली सजेस्टेड द फाइनल डिसीजन इज टू बी टेकन बाय द पल्सिटिला वॉज गिवन इन एलेम्बो 01, 15 days, 02, 03, like that. Chart 10 ko shuruaat hui thi baat. Second visit was on 10-11. Second mein hum logon ne sonography ka ye dekha tha size. Aur pulsatilla 03 prescribe kiya tha but alternate day, not daily. I think it is visible. सोलह दस सत्रह का ये यूएसजी रिपोर्ट है और उसके साइज जो प्रीवियस स्लाइड्स में लिखे हुए हैं वही सर वही लिखा हुआ 13-12 दिस इज द फॉलो अप ब्लीडिंग स्लाइटली बेटर एंड वी एडवाइज फॉर continuation of the next potency. 16-2 bleeding totally stopped. Why discharge band ho gaya? 14-12 ka ye sonography report. There is no polyp. Uterus is elongated. Do bacche ho chuke hain. Not abnormally. But no trace of polyp. Was this a difficult case? Was this a case जिसमें बहुत abnormal कोई medicine दिया? You all were able to say pulsatilla. Why is that? क्यों आपने pulsatilla कहा? Why you said pulsatilla? Some of you are very young, some of you are student, some of you have just passed out. मैं seniors की बात नहीं कर रहा हूं और मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं तो भी मैं pulsatilla पढ़ रहा हूं. आप लोग जो यंग है वो भी pulsatilla बोल रहा हूं. मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है. बिकॉज इन होम्योपैथी सिम्टम इज द सोल गाइड. सिम्टम्स आर द सोल गाइड. अगर सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं पल्सेटिला तो आप भी पल्सेटिला दोगे, मैं भी पल्सेटिला. एक्सपीरियंस इज डज नॉट मीन कि मैं कोई और दवा दूं, क्योंकि मेरा भी बेसिस वही सिम्टम, आपका भी बेसिस वही सिम्टम. और अगर सिम्टम के बेसिस पे हम सही पोटेंसी को ध्यान में रखते हुए, सही स्केल को ध्यान में रखते हुए अगर मेडिसिन देंगे तो रिजल्ट विल बी सेम. देयर कैन नॉट बी एनी डिफरेंस.